ताजा समाचार तमारी भाषा में मेळववा माटे डाउनलोड करो गुजराती मिडडे नी एप। ये नए उत्तर प्रदेश का, ये नए भारत का वह नया उत्तर प्रदेश है जिसके बारे में आज लोग एक नई धारणा बनाते हैं। एक सामान्य नागरिक के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में आज उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाएं बदली हैं और उत्तर प्रदेश को आज लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। हमारे विरोधी दल के माननीय सदस्यों को भी प्रसन्नता होनी चाहिए कि अगर हमारा उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा, आर्थिक प्रगति करेगा। चार बार प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अलग अलग समय में उन्होंने यहां पे प्रदेश में कार्य किया, लेकिन 2017 के बाद उत्तर प्रदेश के बारे में, 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश, 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश अपनी अराजकता, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, अव्यवस्था और यहां के युवाओं के लिए पहचान का संकट वाला उत्तर प्रदेश बन गया था। और महोदय 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश डबल इंजन सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज यही उत्तर प्रदेश है, देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। आज मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, ये हमारे माननीय सदस्यगण भी देश के अंदर जाते होंगे, एक सामान्य नागरिक के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में आज उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाएं बदली हैं और उत्तर प्रदेश को आज लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। ये बदले हुए प्रवेश का, ये नए उत्तर प्रदेश का, ये नए भारत का वह नया उत्तर प्रदेश है जिसके बारे में आज लोग एक नई धारणा बनाते हैं। उनका दृष्टिकोण बदला है, जैसे दुनिया का दृष्टिकोण भारत के प्रति बदला है, ऐसे ही देश और दुनिया की धारणा उत्तर प्रदेश के बारे में भी बदली है और हर व्यक्ति बहुत सम्मानजनक ढंग से देखता है। ये परसेप्शन ही उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पहचान है। हां, $1 trillion की इकोनॉमी बनने की दिशा में हमारी सरकार के द्वारा जो प्रयास प्रारंभ किए गए हैं, हम लोग आज भी अपनी उन बातों को लेकर के पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। लेकिन हमारे विरोधी दल के माननीय सदस्यों को भी प्रसन्नता होनी चाहिए कि अगर हमारा उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा, आर्थिक प्रगति करेगा, तो इस आर्थिक प्रगति का लाभ भी प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से सभी को मिलेगा, पूरे प्रदेशवासियों को मिलेगा, हर व्यक्ति को मिलेगा। और क्या पिछले 6-6.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर इस डबल इंजन की सरकार के समय कुछ नहीं हुआ? महोदय 2016-17 में उत्तर प्रदेश की जो GSDP थी वो लगभग 13 लाख करोड़ के आसपास थी और आज 23-24 में यह लगभग 24.5 लाख करोड़ की पहुंच रही है, यानी हम लगभग दुगने की ओर बढ़ चुके हैं। ऐसे ही पर कैपिटा इनकम भी उत्तर प्रदेश की यह 2015-16 के आसपास जो लगभग 43,000 के आसपास थी, आज वह बढ़कर के 22-23 में यह बढ़कर के दुगने से अधिक हुई है, लगभग 83,000 करोड़ रुपए से अधिक हो चुकी है और 23-24 के आंकड़े आएंगे, इसमें और भी वृद्धि होगी। सब्सक्राइब करो गुजराती मिडडे, बेल आइकॉन पर क्लिक करीने मेड़वो तमाम वीडियो ना डायरेक्ट नोटिफिकेशन।